हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तोशिन टेक चैनल में। दोस्तों, रियलमी 3 के लॉन्च होने के बाद में रियलमी 3 को जो सेकंड सॉफ्टवेयर अपडेट मिला था उसमें स्क्रीन टच को लेकर कुछ इशू आ रहा था, उसको फिक्स किया गया था। लेकिन दोस्तों, उस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में भी जो टच को लेकर इशू आ रहा था वो सोल्व नहीं हुआ, और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि उस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में भी जो टच से रिलेटेड इशू आ रहा था वो जो है सोल्व नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा अपडेट था। 86.7 MB का वो अपडेट था जो सेकेंड अपडेट था रियलमी 3 में। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं फिक्स टच स्क्रीन नॉट रिस्पोंडिंग इशू इन सम केसेस। तो दोस्तों, इस अपडेट में टच को लेकर जो इशू आ रहा था उसको फिक्स किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में भी जो स्क्रीन टच को लेकर जो इशू आ रहा था वो कंटिन्यू मुझे अभी तक भी आ रहा है, और जब से मैंने रियलमी 3 परचेज किया है तब से मैं ये प्रॉब्लम जो है फेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वो क्या इशू है उसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, और अगर आप भी रियलमी 3 यूज़ करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूं उसमें मैं आपको उसी इशू के बारे में बताने वाला हूं जो Realme 3 में स्क्रीन टच को लेकर आ रहा है। मैं कुछ भी यहां पर आपको बड़ा चढ़ाकर नहीं बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो गूगल और टूल्स वाला जो फोल्डर है वो ज़्यादातर टाइम रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों ही फोल्डर्स को टच करने पर ये फोल्डर जो है वो ओपन नहीं होते हैं। पूरे दिन में बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जब ये दोनों ही फोल्डर्स टच करने पर ओपन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम दोस्तों ये रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं और इन दोनों ही फोल्डर्स के टच होने पर ये ओपन नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे आइकन से दूसरे ऐप्स है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करते हैं, सही तरीके से ओपन होते हैं, लेकिन ये दोनों ही फोल्डर जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दोस्तों, जब से मैंने Realme 3 को परचेज किया है तब से ही मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और ये इशू आ रहा है टच को लेकर। दोस्तों, Realme 3 में जो सेकंड सॉफ्टवेयर अपडेट आया था टच स्क्रीन के इशू को फिक्स करने को लेकर, उसको इंस्टॉल करने के बाद में भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ है और कंटिन्यू ये प्रॉब्लम जो है मुझे काफी टाइम से आ रही है। दोस्तों, इस इशू को लेकर मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो गूगल और टूल्स वाला जो फोल्डर है वो दोनों ही रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और टच करने पर ओपन नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे आइकन है, बाकी सारी एप्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, प्रॉपरली तरीके से ओपन हो रही है, लेकिन ये दोनों ही फोल्डर जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी Realme 3 यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके डिवाइस में भी ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मुझे पता चल पाए कि ये जो इशू आ रहा है वो सिर्फ मेरे ही डिवाइस में आ रहा है या फिर किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। वैसे दोस्तों, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे इस इशू को लेकर कि Realme 3 में जो अपडेट आया था टच को लेकर उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाई है कि मुझे पता चल पाए कितने लोगों को ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका फीडबैक Realme को देने की, जिससे कि हो सकता है अपडेट के थ्रू हमें इस प्रॉब्लम का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।